नमस्कार आप सभी को। मिशन आत्मनिर्भर के एक नया स्ट्रैटेजी में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। बहुत दिनों से ये अभियान चल रहा था, बीच में थोड़ा बंद पड़ गया था। बीच में बंद नहीं पड़ा था, हम लोग स्ट्रैटेजी को और डेवलप कर रहे थे और स्क्रूटनाइज कर रहे थे। तो खैर आज स्ट्रैटेजी आ गया है। आज का स्ट्रैटेजी आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, ज़्यादातर ये स्कैल्पर्स के लिए है। अब बता देते हैं स्कैल्पर्स किसे कहते हैं। आप लोग अगर मेरा इंटरव्यू वीडियो अगर नहीं देखे, टुडे टॉक शो में मेरा पहला एपिसोड था, वो अगर नहीं देखे तो उस पर ज़्यादातर मैं स्कैल्पिंग का वर्ड मतलब यूज़ कर रहा था। स्कैल्पर्स क्या होते हैं? वो लोग ट्रेड में आते हैं, छोटा एक स्टॉप लॉस, छोटा एक टारगेट फिक्स करते हैं और बहुत ही कम टाइम के लिए वो ट्रेड में आते हैं। चाहे बहुत ज़्यादा अगर टाइम फ्रेम बोले तो हार्डली 2 से 3 मिनट तक वो लोग ट्रेड में रहते हैं। उससे भी कम मैं बोलूँ तो सेकेंडों में वो लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये काइंड ऑफ अ स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है बैंक निफ्टी का। बहुत स्क्रूटनीस के 6 महीना ट्राई किए, उसके बाद ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी हाथ लगा है। तो ये स्ट्रैटेजी आप तक पहुंच रहा है आज विदाउट टेकिंग एनी कॉस्ट। ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बताने के बाद प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ट्रेड मत कीजिएगा। एक हफ्ता तक हम लोग का एनालिसिस करने दीजिएगा। आपके बीच आएंगे हर शाम को 7 से 8 बजे के बीच में आपको वीडियो आ जाएगा। उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे मार्केट में। एक हफ्ता 7 दिन हम लोग टेस्ट करेंगे। 7 दिन के बाद 8वें दिन को हम लोग एक जस्टिफिकेशन रिपोर्ट लेके आएंगे, जहाँ पे ये स्ट्रैटेजी अपने आप को प्रूव करेगा कि ये कितना परसेंट एक्यूरेट है। क्योंकि 7 दिन में हम लोग कहीं ना कहीं मार्केट के मतलब मार्केट का गुड फेस भी देख लेते हैं, बैड फेस भी देख लेते हैं। हालांकि 7 दिन में नहीं देख सकते, पर 7 दिन तक समझ में आ जाता है ये स्ट्रैटेजी काम करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, जल्दी से स्ट्रैटेजी पे जाते हैं। अच्छा, स्ट्रैटेजी जाने का पहले बहुत सारे मेल आते हैं हमारे पास कि सर हम लोग एंट यूज़ कर रहे हैं, एंट वेब यूज़ कर रहे हैं, एंट मोबी यूज़ कर रहे हैं, तो एलिस ब्लू का क्लाइंट होकर भी हम लोग को कुछ एज नहीं मिल रहा है। तो अभी से जो भी स्ट्रैटेजी मैं रिवील करूँगा, जो भी स्ट्रैटेजी मैं एक्चुअली बैकटेस मैं एंट में ही करता हूँ, उसके बाद जो भी स्ट्रैटेजी अब तक लेके आऊँगा वो पूरा ही पूरा एंट प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बेस्ड है। एंट प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मैं बताऊँगा जो भी स्ट्रैटेजी होगा वो पूरे एंट में होगा। और जितना भी ऑटोमेशन भी हम लोग लेके आएंगे मोबाइल में या फिर एंट वेब में, वो सब के सब एंट यूजर्स को ही मिलेगा। मतलब हालांकि 20 सेकंड 10 सेकंड का फायदा रहेगा एंट यूजर को। और दूसरा बात मैं बोल दूं, ये स्ट्रैटेजी अभियान स्टार्ट हुआ था, मतलब हम लोग कुछ भी स्ट्रैटेजी लेके आते हैं, हर स्ट्रैटेजी मार्केट से ही लेके आते हैं, हम लोग कुछ इन्वेंट नहीं करते हैं। वो स्ट्रैटेजी को हम लोग अपने तरफ से टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपके सामने ऑन मार्केट में टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये मुहिम अच्छा नहीं लग रहा तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, अभी आप चल जाइए, दूसरा वीडियो देखिए, दूसरा वीडियो से कुछ भी सीखिए, सीख के उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। पैसा गवाइए मत, ठीक है, चाहे कुछ भी कीजिए, पैसा को बढ़ाइए या फिर वैसे ही रख दीजिए, कैपिटल को मतलब डिटोरिएट मत कीजिए, नीचे मत लेके आइए, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हैं। हाँ, टेलीग्राम में 2 दिन से मैं कॉल्स वगैरह नहीं दे पाया क्योंकि अभी एंट जो एंट यूज़ करते हैं मोबाइल एंट मोबाइल 2.0 जो यूज़ करते हैं उसको कल से नोटिफिकेशन आएगा। 9 बजे से लेके पूरे शाम 8 बजे तक आपको नोटिफिकेशन आएगा। क्या नोटिफिकेशन आएगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पर जब स्ट्रैटेजी पार्ट आएगा आप लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ, गारंटी तो कुछ भी नहीं है, ये मैं अपने अनुभव के साथ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा एक बात बता देता हूँ, एंट यूजर जो है, एंट मोबी 2.0 जो यूज़ कर रहे हैं, 9 बजे आपको आएगा ग्लोबल मार्केट अपडेट्स। एक उस नोटिफिकेशन में मैं आपको भेज दूंगा नोटिफिकेशन, जैसे आप नोटिफिकेशन स्क्रॉल डाउन करेंगे वहाँ पे सारे बड़े बड़े इंडाइसेस, चाहे वो नैसडैक, डाउ जोन्स या फिर पूरे ग्लोबल इंडाइसेस का लिस्ट रहेगा, वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, 9 बजे आपको आ जाएगा। 9:10 से 9:15 के बीच में आपको प्री मार्केट रिपोर्ट भी आएगा, जहाँ पे बैंक निफ्टी, निफ्टी और कुछ एक्साइटेड न्यूज़ वगैरह रहेगा, उसमें आपको पता चलेगा कि मार्केट क्या ओपनिंग दे रहा है, क्या नहीं ओपनिंग दे रहा। 11 बजे फिर आपको मोस्ट वोलेटिलिटी स्टॉक आएगा, जो कि मार्केट में जैसे यूरोपियन मार्केट जब ओपन होता है तो उस टाइम कौन सा इंडाइसिस है, कौन सा ऐसे स्टॉक है जो बहुत ही बढ़ोतरी बना के रखा है, बहुत ही मतलब, वो भी नोटिफिकेशन के जरिए आएगा। शाम दोपहर को इवनिंग में करेंसी रिपोर्ट आएगा, शाम को आपको कमोडिटी रिपोर्ट्स आएगा, और अगर इन्वेंट्री कुछ भी रहा, चाहे वो क्रूड ऑयल का है, हालांकि आज वेनसडे है, शायद क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री 8 बजे, तो क्रूड ऑयल के इन्वेंट्री रिपोर्ट, नेचुरल गैस की इन्वेंट्री रिपोर्ट, FDI रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगा उस नोटिफिकेशन के द्वारा, ओनली फॉर एंड मोबी यूजर्स, ठीक है। तो मैं हालांकि बोल ही रहा हूँ, जो भी एलिस ब्लू के साथ जुड़े हैं, जो भी एंट यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा डिले हो रहा है, पर कहीं ना कहीं आपको एक एज मिलेगा मार्केट में, दैट फॉर श्योर, ओके। तो चलिए देर नहीं करते, अभी जाते हैं सीधे अपने प्लेटफॉर्म में, जो कि है हम लोग का एंट वेब।
जो भी हम लोग का यूजर्स है वो यूजर है वो जानते हैं एंड वेब के ऊपर काम कैसे होता है एंड ये नया वर्जन है, तो इसमें और भी अपडेट्स आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे अपडेट्स आने वाले हैं, मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ अभी, आपको मिलेंगे, थोड़ा सब्र रखिए, मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सबसे पहले स्ट्रैटेजी को डिस्क्लोज करते हैं। क्या है स्ट्रैटेजी? ये स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी के स्कैल्पिंग प्लेटफॉर्म पे है। स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग का मतलब बहुत ही कम टाइम में आप प्रॉफिट बुक करते हैं या फिर लॉस बुक करते हैं। प्रॉफिट और लॉस, ये बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी जो है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 20 पॉइंट का टारगेट है। सर अगर 20 पॉइंट कंप्लीट हो गया क्या मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल सकता हूँ? इट योर विश। आपका, अगर आप दो लॉट में काम कर रहे हैं, एक लॉट को आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके जा सकते हैं, पर मेरा कहना है 20-20। इन अ डे आपको कम से कम 4 से 5 ट्रेड तो मिलने ही वाले हैं, पर आपका हाथ का स्पीड बहुत होना चाहिए क्योंकि ये स्कैल्पिंग है। स्कैल्पिंग में समय का जो दौर होता है वो बहुत कम मिलता है आपको, ठीक है? बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, अच्छा से समझिएगा प्लीज़। कमेंट सेक्शन में ये मत लिखिएगा स्टॉप लॉस क्या है, ये क्या है, पूरा डिफाइंड स्टॉप लॉस है, सब कुछ है, प्लीज़ 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 ध्यान से सुनिएगा। जो 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 आप लोग ये मतलब वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ इसको फ़ोन में देखिए और लैपटॉप ओपन कर लीजिए, वहाँ पे एंड वेब को ओपन कर लीजिए, जैसे मैं सेटिंग बता रहा हूँ वैसे ही सेटिंग कीजिएगा, ठीक है? जो वो ये मोबाइल में देख रहे हैं वो एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जब ये मतलब वीडियो खत्म होगा तब आप वैसे ही अपना मोबाइल में सेटिंग कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए देर नहीं करते, फटाफट शुरू करते हैं। देखिए ये मेरा वॉचलिस्ट 1 है, वॉचलिस्ट 1 में ये सब मैं स्टॉक्स को मतलब देखते रहता हूँ। तो एक खाली सा वॉचलिस्ट लीजिएगा, चाहे कोई भी सेक्शन हो, जैसे मेरा 1, 2 में मतलब कुछ स्क्रिप्ट एडेड है, 4 में कुछ स्क्रिप्ट एडेड है, 5 में कुछ स्क्रिप्ट एडेड है, तो 3rd मेरा एम्प्टी है, मैं एम्प्टी करके रखा हूँ आप लोगों के लिए। उसमें क्या करना है, सबसे पहले NIFTY BANK, ये क्या है, निफ्टी बैंक का स्पॉट, इसको ऐड करेंगे। दूसरा है बैंक निफ्टी, इसको ऐड करेंगे। क्या ऐड कर दिया, स्पॉट्स को, फ्यूचर को, ठीक है? मॉर्निंग 9:15, 9:15 से खेल आपका स्टार्ट होगा। सबसे पहले क्या करना है सोचिए, ये एक चार्ट है, 5 मिनट, राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर, ये चार्ट के ऊपर एक राइट क्लिक कीजिए, सेटिंग्स में जाइए, अपीयरेंस में जाइए, सेशन ब्रेक्स लिखा होगा उसमें क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। ये क्या हो गया, ये एक एक सेशन आपको दिखा रहा है, ये 16 अगस्त का सेशन है, ये 17 अगस्त का सेशन है, ये सेपरेट कर लिया हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। अब क्या हुआ, आज का मैं एनालिसिस करके आपको बता देता हूँ, ठीक है? कल से ऑन स्पॉट मार्केट में अपडेट करेंगे, मार्केट में ये करेंगे। हाँ, ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है बोल के, इस स्ट्रैटेजी का जो भी रिहर्सल होगा, जो भी मतलब कॉल्स वगैरह होगा वो बहुत ही फास्ट होगा, वो मैं टेलीग्राम में शायद ही अपलोड कर सकता हूँ या फिर कोशिश करूँगा मैं अपलोड करने का, ठीक है? तो ये रहा 9:15, 5 मिनट का कैंडल, 9:15, ठीक है? जैसे मार्केट ओपन हुआ आप क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिए प्लीज़, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करके छोड़ दीजिए, रात में जब आपके पास समय होगा ना 15 मिनट 20 मिनट, प्लीज़ इस वीडियो को बाद में देख लीजिएगा, समय नहीं है छोड़ दीजिए, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूँ ध्यान से आप सुने, क्योंकि स्कैल्पिंग है तो हाईली रिस्केबल है, ठीक है? आपको जल्दी से स्टॉप लॉस भी डालना आना चाहिए, जल्दी से आपको प्रॉफिट भी बुक करना आना चाहिए, ठीक है? तो ये रहा 9:15 का कैंडल, ठीक है? ये कौन सा चार्ट है, फ्यूचर का चार्ट है, ठीक है? अब क्या करना है अपने को, इन द मनी कॉल, इन द मनी पुट, 100 पॉइंट नीचे इन द मनी कॉल, 100 पॉइंट ऊपर इन द मनी पुट, इन द मनी, ठीक है? जो नहीं जानते इन द मनी क्या होता है, सोचिए ये वो पहला कैंडल है, इस कैंडल को भूल जाइए, ये सारा कैंडल, सॉरी मैं इसको ले लेता हूँ, हाँ ये जो सारा कैंडल है इसको भूल जाइए, भूल जाइए कि ये कैंडल अभी तक बना है, अभी क्या हो रहा है सोच लीजिए, 9:15 हो रहा है, ये कैंडल बन रहा है। अपने को क्या करना है, एक हॉरिजेंटल लाइन, सॉरी एक हॉरिजेंटल लाइन इसमें प्लॉट कर देता हूँ, इस कैंडल के हाई कितना है, 39,427, तो 39,500 का, 39,500 का पुट ले लेता हूँ मैं, पुट को ऐड कर देता हूँ। इस कैंडल का लो जो है उसके नीचे 39,200 का मैं कॉल ले लेता हूँ, ये इन द मनी कॉल है, ठीक है? जो इन द मनी आउट ऑफ द मनी नहीं जानते कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा बेसिक ऑप्शन सीरीज का ताकि आपको समझ में आए, उसमें मेरा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना दूंगा, आपको कमेंट के जरिए बताइए, मैं सब आप लोगों के लिए कर दूंगा,
ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अभी सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज चालू हो रहा है। अब क्या करना है, इस चार्ट को चलने दीजिए। अब हमको क्या करना है, इस चार्ट को ओपन कर लेना। ये कौन सा चार्ट है, 39,500 का पुट ऑप्शन है। ये कौन सा है, 39,200 का कॉल ऑप्शन है। इसमें दो इंडिकेटर लगाना है। अब वो क्या इंडिकेटर है, एक है यहां पे लिखेगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA, इसको क्लिक कर दीजिएगा। यहां पे देखिए ऐड हो गया। फिर एक काम कीजिए, RSI आ गया, क्लिक कर दीजिए, ऐड हो गया। ठीक है, अब यहां पे देख के सब बोलेगा, अरे सर ये तो YouTube में वीडियो है, ये सब वीडियो है। सर अगर वीडियो है तो क्यों नहीं देखे आप, क्यों नहीं उसमें बैक टेस्ट किए, क्यों नहीं प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मत कीजिए। अगर आपको देखना है तो अच्छा से देखिए, नहीं तो किसी को डिस्टर्ब मत कीजिए, कमेंट में ऐसा वैसा कुछ मत लिखिए, छोड़ के चल जाइए। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, टाइम फ्रेम फर्स्ट हम लोग क्या किए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐड किए, सेकंड RSI ऐड किए, थर्ड ये क्या, मैं टाइम फ्रेम को क्या कर रहा हूं, 1 मिनट। आया समझ में? अब ध्यान से देखिए सेटिंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेटिंग्स। इसको क्या करना है, ठीक है, 11 स्टाइल में जाना है। इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूं, आ गया। अब इसको ओके कर देता हूं, ऐड हो गया। RSI का सेटिंग को क्लिक कीजिए, यहां पे ग्रीन कीजिए, यहां पे 60 लिखिए, यहां पे ध्यान से देखते रहिए, कोई भी गलत चीज मत कीजिएगा। ठीक है, फिर यहां पे आइए, रेड सेलेक्ट कीजिए, बैंड का कलर, यहां पे लाइन सेलेक्ट कीजिए, यहां पे 40 सेलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूं मैं इसको, इसको थोड़ा सा, सॉरी, इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ और इसको भी थोड़ा सा फैटी कर देता हूँ ताकि अच्छा से दिखे आप लोगों को। ध्यान से देखिएगा प्लीज, अट्रैक्ट मत होइएगा, कल से ट्रेड लेना है ऐसा, प्लीज 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 हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो मैं स्ट्रैटेजी वीडियो लाना ही बंद कर दूंगा। 7ों दिन हम लोग जस्टिफाई करेंगे एवरीडे, उसके बाद 8वें दिन से आप एक या दो लॉट में ट्रेड कीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं। ये स्ट्रैटेजी का 20 पॉइंट टारगेट है, 20 पॉइंट स्टॉप लॉस है। फिर से बोल रहा हूं, 20 पॉइंट टारगेट, 20 पॉइंट स्टॉप लॉस। ठीक है, ये कौन सा देख रहा हूं, ऑप्शन। अब ध्यान से सुनिए, ये रहा अपर बैंड, ये रहा लोअर बैंड, इसको बोलते ओवर बॉट जोन, इसको बोलते ओवर सोल्ड जोन। जब भी लाइन इसको तोड़ के नीचे आ रहा है, एट द सेम टाइम अगर ये लाइन को छोड़, ये लाइन को तोड़ के कैंडल नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो आप लोग पुट ऑप्शन बाई कीजिएगा जो यहां पे ऐड है। ठीक है, अगर ये ओवरसोल्ड जोन को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है और यहां पे ये लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज हो रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कॉल ऑप्शन बाई करेंगे। आप कॉल खोजना नहीं है क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में ही यहां पे ऐड कर दिए दो कॉल ऑप्शन और एक कॉल ऑप्शन एक पुट ऑप्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे बाई क्लिक करेंगे, कल से नहीं, कल से कॉपी में करना है ये, मैं बता दे रहा हूं। 7 दिन के बाद क्या करना है, 25, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपको पॉकेट साइज ज्यादा है तो प्लीज आप यहां पे इतना भी क्वांटिटी ले सकते हैं, पर मैं बोल रहा हूं इससे ज्यादा मत लीजिएगा। आप भी इसमें अनुभव कीजिए कि आप इसमें खेल पा रहे हैं कि नहीं खेल पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना, पहले हम लोग देखेंगे आज के दिन में क्या हुआ। देखेंगे यहां पे, देखिए कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे रहा है, क्या नीचे क्लोजिंग हुआ है, क्या नीचे क्लोजिंग हुआ है, यहां पे देखिए ये नीचे आ गया है, क्या ये नीचे आया है, नहीं। अपने को क्या करना है, छोड़ देना ट्रेड को, फिर देखिए फिर देखिए फिर देखिए। अच्छा, इसके ऊपर अगर जाएगा, ध्यान से सुनिए क्योंकि आप लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, इसके अगर ऊपर जाएगा ट्रेड नहीं लेना, इसके नीचे अगर जाएगा तो ट्रेड लेना है पुट ऑप्शन। इसके ऊपर जाएगा, साफ कर देता हूं मैं, इसके ऊपर अगर जाएगा ओवरसोल्ड लाल रेड लाइन के ऊपर अगर जाएगा, क्या लेना है, कॉल ऑप्शन। कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, अब मैं क्या देखता हूं, कहीं ना कहीं यहां पे देखिए नहीं कटा, यहां पे नीचे क्लोजिंग दे रहा है, जैसे नीचे आया तो नीचे क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है, यहां पे नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो हम लोग क्या बोले थे, 20 पॉइंट का टारगेट, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। हम लोग ये कॉल ऑप्शन है तो हम लोग सीधा यहां पे, सॉरी ये नहीं करेंगे,
पुट ऑप्शन कहाँ है? यहाँ। अब पुट ऑप्शन हालांकि ये ऊपर की तरफ जाएगा, पुट ऑप्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लीज़ अच्छे से समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक हफ्ता जो हम लोग ट्रेड करेंगे ना उसमें अच्छे से समझा देंगे आप लोग को। 20 पॉइंट ऊपर में टारगेट, 20 पॉइंट ऊपर टारगेट, 20 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस, ये रहा 20 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस, मतलब कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस मेरा ये था और टारगेट मेरा ये था, इसको हटा देता हूँ। तो जैसे ही यहाँ के बाद आप एंट्री लिए, 20 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका खाया नहीं, पहला ट्रेड सक्सेसफुल, ठीक है। अब हम लोग को फिर देखना है, अब हम लोग फिर देखते हैं क्या कुछ बन रहा है, क्या कुछ बन रहा है। यहाँ पे आया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, ट्रेड नहीं लेना है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, क्या इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, नहीं दिया, नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, अंदर आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे फिर एक ऊपर क्लोजिंग दिया है, हाँ ये देखिए, ध्यान से देखिए, नहीं तो आप लोग फिर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ देखिए मार्केट ऊपर आया, क्लोजिंग ऊपर दिया, क्या लेंगे, कॉल ऑप्शन, ये कौन सा खुला हुआ है, कॉल ऑप्शन, क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन, इसके बाद वाला कैंडल के यहाँ से लेंगे। 20 पॉइंट स्ट्रिक कहाँ है, 20 पॉइंट हम लोग का आ गया 20 पॉइंट, 20 पॉइंट ऊपर में कहाँ है, 20 पॉइंट ऊपर में आ गया। मैं आप लोगों को कभी ये नहीं बताऊंगा कि देखिए कहाँ तक गया, कितना ऊपर गया, 48 पॉइंट गया, 20 पॉइंट ये स्कैल्पिंग है, 20 पॉइंट टारगेट, 20 पर स्टॉप लॉस, ये दूसरा था, दूसरा भी सक्सेसफुल हो गया। सेकेंड देखते हैं, यहाँ पे क्या यहाँ पे क्लोजिंग नीचे दिया, नहीं दिया, ठीक है। अगर चलिए देखते हैं, ये अगर क्लोजिंग नीचे दिया कहीं ना कहीं यहाँ हम लोग ट्रेड ले लेते, अगर ले लेते तो देखते क्या रिजल्ट होता। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये कौन सा है, 10-20 कॉल ऑप्शन खुला हुआ, हम लोग चल जाएंगे पुट में, पुट में, पुट में, पुट में, 10-20, 10-20 कहाँ गया, 10-20 ये क्या ऊपर क्लोजिंग दिया, इस लेवल में देखिए क्या ऊपर क्लोजिंग दिया, कहीं ना कहीं नहीं दिया, तो यहाँ पे पुट ऑप्शन बाइंग ही नहीं करना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्लोजिंग दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, हाँ दिया, इसको अच्छा से देखिए, इसको मैं इसको देखिए अच्छा से, ये वाला कैंडल को क्लोजिंग दिया, हाँ दिया, क्या करना है, फटाफट जल्दी बोलिए क्या करना है आपको, यहाँ पे पुट ऑप्शन बाई करना है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, पहले स्टॉप लॉस बता देता हूँ, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 20 पॉइंट का टारगेट, मिला क्या 20 पॉइंट, हाँ 20 पॉइंट मिल गया। अगर आप तीन ट्रेड भी करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करने का जरूरत तो नहीं है फिलहाल, अगर आप अगर एक लॉट के हिसाब से ट्रेड करते हैं 25 × 20.500, तीन ट्रेड करते हैं तो 1500, ठीक है। अब ये अच्छा अच्छा साइड है, तीन ट्रेड करते हैं तो 1500 नेगेटिव फिगर में भी आता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन अभी मैं नहीं करके दिखाऊंगा, कैलकुलेशन करके दिखाने से आप लोगों का ग्रीडी फिलनेस आ जाएगा मार्केट में, कल से ही आप लोग ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे। तो हालांकि मैं जितना सिखाया हूँ कहीं ना कहीं आप लोग अच्छे से सीखे होंगे, ठीक है। अगर आप लोग नहीं सीखे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए क्या आप लोग नहीं सीखे, ये मत बताइए, कोई भी नेगेटिव कमेंट प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि हम लोग को 6 महीना तक, मतलब 6 महीना का बैक टेस्टिंग करके आना पड़ा है, उसमें से पूरा 6 महीना मैं ही बैक टेस्टिंग किया हूँ, मेरे टीम थे नहीं तो मेरे को बैक टेस्टिंग करना पड़ा, बहुत वीडियो एंड के बाद आया। तो अगर इनक्रेजमेंट नहीं, प्लीज़ अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप इनक्रेजमेंट मत कीजिए, प्लस डिस्करेज मत कीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखे हैं, कल से हम लोग शार्पली इसको देखेंगे मार्केट में, पूरा वीडियो बनाएंगे अंत तक, कितना बार स्टॉप लॉस दिया, कितना बार टारगेट दिया, ठीक है। तो चलिए कमेंट में लिख के बताइए आपको अच्छा लगा स्ट्रैटेजी के, अच्छा नहीं लगा प्लीज़, इसमें लाइक मैं 60 का करता हूँ, देखता हूँ 60 मिलता है कि नहीं, अगर 60 नहीं मिला तो मैं सही बोल रहा हूँ, मैं स्ट्रैटेजी नहीं बनाऊँगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार अगर नहीं मिला मुझे तो फिर क्या चीज़ के लिए स्ट्रैटेजी। मैं तो आपको पैसा नहीं मांग रहा हूँ, कोई भी चीज़ का पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके पीछे, तो कहीं ना कहीं मुझे अगर आप लोग लाइक के ज़रिए, अगर 60 लाइक बहुत ही कॉमन होता है, सब कोई को 1000 लाइक भी मिल जाता है, तो मैं उतना एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से, आप लोगों से बहुत एक नॉमिनल एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ 60 लाइक का। अगर मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द कॉमोडिटीज़ के ऊपर भी आएगा, और बैंक निफ्टी, निफ्टी बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर भी आने वाले, बहुत बंच ऑफ स्ट्रैटेजी हमारे पास। तो प्लीज़ इसमें लिख के बताइए, कमेंट्स के जरिए बताइए क्या क्या और हम लोग को इनोवेशन लेके आना है, और ये जो वेब प्लेटफॉर्म है, ये वेब प्लेटफॉर्म हालांकि 1 महीने के अंदर अंदर और फैंटास्टिक हो जाएगा, यहाँ पे खुल स्कैल्पिंग टूल्स भी आ जाएगा, बहुत कुछ आने वाला, मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ अभी, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल के फर्स्ट टेस्टिंग वीडियो में।
स्कैल्पिंग के फर्स्ट टेस्टिंग वीडियो में मिलते हैं। चलिए तब तक अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और ट्रेड मत कीजिए, कॉपी ट्रेड कीजिए, ठीक है? चलिए बाय बाय। Investment in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.